हाय फ्रेंड्स, आज रूम में हमारा थर्ड है। आज हम लोग जा रहे हैं वेटिकन सिटी। दुनिया का सबसे छोटा देश है ये, और वेटिकन सिटी में सेंट पीटर्स बेसिलिका दुनिया का सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च है ये। वेटिकन म्यूजियम इतना बड़ा है कि 2-3 दिन में ही शायद हम लोग ये पूरा कर पाएंगे। और पहले हम लोग देखने जा रहे हैं म्यूजियम, और उसके बाद सिस्टीन चैपल, और उसके बाद हम लोग सेंट पीटर्स बेसिलिका देखने के लिए जाएंगे। कई फेमस आर्टिस्टों के वर्क डिस्प्ले किया गया है। पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और दीवारों और सीलिंग पर किए गए पेंटिंग्स बहुत ही खूबसूरत है। सबसे फेमस है माइकलांजेलो के बनाए हुए स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स। सिक्सटीन चैपल के सीलिंग पर किया हुआ पेंटिंग्स बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन उधर फ़ोटो लेना मना है, इसलिए मैं उधर का कोई भी पिक्चर्स नहीं ले पाई। The fighting between the Greeks and the Sindhus, mythological men. Here with the trident is the god Neptune, the god of the sea. Now listen to me well. Now look at this beautiful basin. That was a basin of the fountain. You know where they found it? In the golden house of Nero, the residence of the Roman Emperor Nero. Now Nero died 68. That means that the basin is almost 2,000 years old.
माइकलांजलो का पहला वर्क है रोम में, इसका नाम है द पिएटा, इंग्लिश में द पिटी। इसे एक ही मार्बल का पत्थर से बना हुआ है। इसमें क्रूसिफिकेशन के बाद जीसस अपने मदर मेरी के गोद में है। सब कुछ देखने के बाद हम लोगों ने जाकर लंच किया, लेकिन उस समय मैं कोई भी वीडियो नहीं कर पाई क्योंकि इतना भूख लगी, खाने के अलावा कुछ ध्यान में ही नहीं आई। इसके बाद हम लोग अभी जिलाटो खाने के लिए क्यू में लगा है। ये हम लोग ट्रिप एडवाइजर में बहुत सुना है इसी दुकान का जिलाटो में इटालियन आइसक्रीम है, बहुत ही टेस्ट है, बहुत सारा फ्लेवर का मिलता है। Thank you.
आज रोम है हमारा फोर्थ डे और हमने आज रोम और थोड़ा एक्सप्लोर किया है और अभी हम लोग आ गए पैंथियन के उधर उधर बहुत सारा आर्टिस्ट लोग परफॉर्म कर रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा आज इधर ही बैठेंगे और इन्जॉय करेंगे क्योंकि हम लोग कल जा रहे हैं पॉम्पे और हम लोगों को अर्ली मॉर्निंग निकलना है इधर से और रोम में हमारा लास्ट डे है आज।